नरेंद्र मोदी को लाया गया था भारत के विकास के लिए। लालू यादव के जमाने का देखा है, उससे तो कुछ भला तो उन्होंने मोदी जी ने किया है। मोदी जी का यहाँ पूरा चांस है, वही जीतेंगे इस बार भी। हाँ, काम खूब किए हैं, क्योंकि वो अच्छे एक नेता है, वो अच्छे से विकास कर रहे देश का, उनसे ज्यादा उम्मीद है इस बार हम सब। देख रहे सोसाइटी, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। यूं तो लोकसभा चुनाव के लिए अपने अपने राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो तैयारियां लग गए हैं। 2024 का बस ये कुछ ही आप कह सकते हैं क्या कि मात्र 20 से 25 दिन बचा हुआ है, उसके बाद फिर 2024 का हम लोग इन कर जाएंगे। उससे 2024 में लोकसभा का चुनाव है। इस बार लोकसभा का चुनाव में देश के प्रधानमंत्री का चयन होना है। देश के अगले प्रधानमंत्री कौन है, स्टूडेंट्स लोग, क्योंकि ऐसे कहा जाता है देश का भविष्य होता है, हम उन्हीं स्टूडेंट्स के पास आए हैं, इनसे जानकारी लेते हैं। इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव में देश का अगला प्रधानमंत्री कौन? निका कुमारी। क्या लग रहा है इस बार प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे इस बार तो, क्योंकि वो अच्छे एक नेता है, वो अच्छे से विकास कर रहे देश का, उनसे ज्यादा उम्मीद है इस बार हम सबको। स्टूडेंट लोग के लिए काम कर रहे हैं कि नहीं? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि नई नई नीति निकालना बच्चों के लिए। नरेंद्र मोदी भी बहुत अच्छी योजनाएं निकाल रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार जो लोकसभा का जो चुनाव होगा, जो नरेंद्र मोदी जीतेंगे? और कोई? राहुल गांधी? नहीं। क्या तो राहुल गांधी भी तो बन सकते हैं? क्यों बनेंगे वैसे? क्या क्या वजह है, क्या कारण हो सकता है? नरेंद्र मोदी को लाया गया था भारत के विकास के लिए, और वो अच्छी तरीके से भारत का विकास कर रहे हैं। उनको गली का साफ सफाई के लिए नहीं लाया गया था, वो विकास करने के लिए, जैसे कि हमारे भारत अब आर्थिक नीति से तीसरे स्थान पर आ चुका है। नरेंद्र मोदी बोले भी है कि आएंगे तीसरे स्थान पर, तो आ गया, तो ये अच्छी विकास का योजना है। अभी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी है जी। क्या लग रहा है? वैसे तो देखने में लग रहा है कि जैसे कि वही जीतेंगे, या तो क्या? इस बार भी मोदी जी जीतेंगे, कि वो अच्छे बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, जैसे हम लोग के लिए भी। जैसे क्या? स्टूडेंट के लिए काम हुआ है ये यहाँ तो, जैसे कि नीतीश कुमार वगैरह, हमको तो जैसा लग रहा है कि नीतीश कुमार तो बिहार के हो गए। हाँ तो पूछ रहे मोदी जी के लिए। अच्छा, मोदी जी के लिए वो तो किए ही है सब कुछ, पर सही है प्रधानमंत्री यहाँ का टूल वहाँ का वो देख रहे हैं, अच्छा लग रहा है। हमको तो लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत चांस मोदी जी का, थोड़ा बहुत चांस नहीं, पूरा चांस है, पूरा चांस मोदी जी का यहाँ, पूरा चांस है, वही जीतेंगे इस बार भी। हाँ, काम खूब किए हैं। नरेंद्र मोदी हमारे बनेंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से विकास किया हमारे भारत का। जैसे जैसे उन्होंने योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा है। जी लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी पक्का भाई प्रधानमंत्री, तो आई थिंक बनेंगे मोदी जी श्री प्रधान। काम अगर ना से कुछ भला, उन्होंने कुछ ना करके भी थोड़ा बहुत तो किया ही होगा। अभी तक हमने और भी लालू यादव के जमाने का देखा है, उससे तो कुछ भला तो उन्होंने मोदी जी ने किया है। तो मेरा मानना है कि कुछ ना से कुछ भला ही हो। लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी भी आएगा। होप सो, आ भी सकते नहीं भी आ सकते, कोई ठीक नहीं है। वोट देंगे क्योंकि उनका वोट ज़्यादा, वो बहुत हम लोग के लिए कुछ किए हैं, इसीलिए हुआ है। हुआ है तो